जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। खुजराव टॉप पे हम चाइना बॉर्डर पे मौजूद थे और इस वक्त हम मौजूद हैं, इस वक्त जो सबसे ऊंची एटीएम मशीन है उसके सामने। और यहाँ पर भी मौसम इंतहाई सख्त और शदीद है। आपको ये बताएं कि इस पॉइंट पर जो सयाह आते हैं और इस पॉइंट पर जितने लोग आते हैं उनको ये सहूलत यहाँ पर मुहैया की गई है कि वो यहाँ से जब कैश हासिल कर सकते हैं। मौसम इंतहाई सर्द है वहाँ बॉर्डर के ऊपर, जीरो पॉइंट पर भी हमने आपको बताया था कि यहाँ जितने भी लोग आए उनके लिए ज़रूरी है कि वो तमाम तर इंतजाम के साथ आए। अभी आप देखेंगे आसमान से बर्फ़ के गाले बरस रहे हैं, लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं इस मौसम को इंजॉय करने। अगरचे हमारे हाथ पाँव उस वक्त सर्दी से यख हो चुके हैं और मेरे जो कैमरा मैन है काफ़ी सख्त जान है, लेकिन हमें उनका भी ख्याल रखना है। छोटी वीडियो बनाएंगे मुसलसल, आपको दिखाएंगे दाएं जाने और देखेंगे कि पाकिस्तान का परचम इस वक्त लहरा रहा है। यहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम मौजूद हैं। अगर आप इसके आगे देखिएगा तो आप देखेंगे कि पार्किंग में सयाहों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद है। इनमें हमने खवातीन को भी देखा है और नौजवान भी मौजूद हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं वो इस तैयारी के साथ आए थे कि यहाँ पर मौसम किसी भी वक्त सख्त हो सकता है। आपके पास अम्ब्रेला होना चाहिए, आपके पास रेनकोट होना चाहिए और आपके पास यहाँ पर गर्म कपड़े और इसके अलावा जैकेट्स और जितने भी हाथों को कवर करने के लिए खास तौर पर ग्लव्स होने चाहिए। इस वक्त मेरे हाथ देखें नीले पड़ने शुरू हो गए। आपके पास जॉगर्स होने चाहिए। अगर आप इस पॉइंट पर आने के बाद मौसम सख्त होगा तो ज़रूरी है कि आपके पास सारी चीज़ें हों ताकि आप यहाँ 15-20 मिनट जो है वो स्टे कर सकें। थोड़ा सा हम इस तरह दिखाएंगे इस एटीएम मशीन की जाने से बैक पे, ये मेरे अकम में जो आप बोर्ड देख रहे हैं इससे थोड़ा सा आगे, थोड़ी देर पहले हम वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे भी हमने आपके साथ व्लॉग बनाया था और हमने दिखाया था कि ये टॉप बॉर्डर है चाइना का। यहाँ से सारी जो है वो तजारत है इसी रास्ते से होती है। खुजराव का ये टॉप पॉइंट है। अब अभी भी कुछ लोग दीवाने मस्ताने एडवेंचर के शौकीन उस तरह जा रहे हैं। मौसम अगर से सख्त है लेकिन बात वही है कि एहतियात से ज़रूरत है। बच्चे बड़े खवातीन सबको ये चाहिए कि जब वो इस रास्ते में तमाम तार हिफाजी दवा के साथ आए ताकि वो यहाँ पर सेफ एंड साउंड जगह को इंजॉय भी करें और वो यहाँ पर यादगार के तौर पर तस्वीरें भी बना सकें और जो है ना वो वीडियो वगैरह बना सकें। मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, बस मैं कामना शुरू हो गया हूँ, इसलिए अपने मेज़बान गुफरान चुगताई को इस वीलॉग से अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अगले वीलॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।